चैनल। तो आज है 14th जनवरी 2023 यानी मकर संक्रांति। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज मकर संक्रांति के दिन छुट्टी भी है और वीकेंड है, तो हम लोग को लगा कि यार आज कहीं ऐसी जगह जाते जहां मैं एटलीस्ट नहीं गई हूं कभी भी। तो मैं निकल पड़ी हूं आज ऑटो एक्सपो 2023 में जाने के लिए, और ये ग्रेटर नोएडा में है। सो गुड़गांव से ग्रेटर नोएडा जाने में आप समझ ही सकते हो यार कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग ऑन द वे हैं, अभी जा रहे हैं। और इस व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हो सो गाइस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना, सो दैट आपको जब भी मैं न्यू व्लॉग अपलोड करूंगी तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो फटाफट करती हूँ इस व्लॉग को स्टार्ट, एंड आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत 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 अच्छा लगेगा। तो गाइस जैसा मैंने कहा कि हम लोग जा रहे हैं गुड़गांव टू ग्रेटर नोएडा। तो अगर आप भी नोएडा या ग्रेटर नोएडा गुड़गांव से जा रहे हैं तो एक रोड है जो आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा ट्रैफिक अवॉइड करना है, वो है फरीदाबाद रोड। इसका व्यू भी बहुत अच्छा है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और थोड़ा बहुत माउंटेन्स व्यू देखते देखते आप जा सकते हो। और हालांकि ये रूट थोड़ा सा लंबा ज़रूर पड़ता है, बट अगर आप एम्बियंस वाला जो रोड है वहाँ पे जो ट्रैफिक रहता है अगर उससे बचना चाहते हो तो ये रूट फॉलो कर सकते हो। एक चीज़ और है जो मैं बता दूँ कि ऑटो एक्सपो में जाने के लिए आपको ऑनलाइन टिकट्स बुक करना पड़ेगा। और अपने टिकट कहाँ से बुक किया था? बुक माई शो। तो बुक माई शो से आप टिकट्स बुक कर सकते हो और उसकी कॉस्ट है 475 रुपीज पर पर्सन। तो हम लोगों ने भी टिकट्स ले ली है। मैंने देखा तो है कि बहुत ज्यादा अभी लोग बहुत ज्यादा जा रहे हैं और आज तो वीकेंड है, तो आई थिंक कि ज्यादा आज बहुत क्राउड होगा, बट लेट्स सी। एक ऑनलाइन टिकट से आपको वहाँ पे आप जाके वेब चेक इन कर सकते हो, बट लेट्स सी लाइन कितनी लंबी है। वेब चेक इन की भी तो लंबी लाइन होगी ना, आजकल तो डिजिटल का जमाना है। ये भी है तो जो भी होगा वो तो मैं आपको दिखाई दूंगी। और हाँ, एक और बात कि ये ऑटो एक्सपो एक दो दिन पहले से ओपन हो गया था, बट वो मीडिया के लिए ओपन था, बट जनरल पीपल के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, मतलब आम आदमियों के लिए, तो खुल चुका है 13 से। राइट, 13 से ओपन है 11 AM to 7 PM। तो ये टाइमिंग है जिसके बीच आप जा सकते हैं और पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मेरे ब्लॉग के थ्रू तो आप एक्सप्लोर और अच्छे से मैं सारी चीज़ें शूट करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। मत लीजिए ये रोड, बीच वाले लेके चुपचाप निकल। हमारी बात सुनोगे ना तो इसी लोग अब इनको भी पास होना है। तो स्पोर्ट से पहली ऑफरोडिंग हो रही हमारी। गाइस देखो ये कहां हम लोग आके फंस गए, क्योंकि एक साइड उधर गए वहां पे इतना ट्रैफिक था, और ये देखो कहां आ गए अब हम लोग। तो हम लोग पहुंच गए हैं ऑटो एक्सपो में, और ये पार्किंग के लिए ट्रैफिक ने ना सच में रुला दिया यार, इतने पास आकर और इतना ज़्यादा। कम से कम 15 मिनट हो गए हम लोग ऐसे ही यहाँ पे हैं, और पता नहीं, एक तो हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, बट फिर भी देखो क्या ही हालत है। ट्रैफिक और हमारा पुराना रिश्ता है, सही में हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ ये तो वैसे गुड़गांव में करना चाहिए, इतनी ग्रेटर नोएडा में बात कर देते हैं, कभी ग्रेटर नोएडा वालों को भी कष्ट पता चले गुड़गांव आने का। ये अभी हम लोग यहाँ तक पहुँचे, हम लोग को 2.5 घंटे लग गए। तो जी फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं और हमारी धन्नो को भी पार कर दिया है ये देखो। और सच में बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है हमारे इलाहाबाद में कुंभ मेला होता है, उस तरह का क्राउड यहाँ पे है। अभी यहाँ से काफ़ी दूर तक वॉक भी करना है, फटाफट भागते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है और एक्सप्लोर बहुत कुछ करना है, तो अब ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, जल्दी से चलते हैं आगे। बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ेगा पार्किंग से लेके एंट्री गेट तक,
हालांकि यहाँ पे जहाँ पार्किंग का एग्जिट एरिया था वहाँ पे ऑटो मिल रही थी एंट्री गेट तक की, बट हम लोगों ने नहीं लिया। तो अगर आप वॉक नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते हैं तो आप वो ऑटो भी ले लेना। खैर, हम लोग का गेट नंबर 5 आ गया है जहाँ से हम लोग को लेनी है एंट्री। तो हम लोग एंट्री कर रहे हैं हॉल 14 से और चलते हैं अंदर। तो हॉल 14 में आते ही हमें MG की ये एक MG4 रेड कलर कार दिखी है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। तो अंदर तो नहीं जा सकते, बट हाँ मैं आपको दिखा ज़रूर देती हूँ। एंड इसका कलर इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बहुत रॉयल कार लग रही है। हेक्टर प्लस और ये भी यहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। और देखो कितने लोग हैं जो इसे देख रहे हैं, और जो लेना चाहते हो तो ऑफकोर्स ले ही लेंगे। बट सच में अंदर से फीचर्स पता नहीं कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा स्टेज में इसे शोकेस किया गया है, तो वो मैं नहीं दिखा पाऊँगी। बट हाँ, बाहर से तो यार ये सच में बहुत सही लग रही है। के बारे में तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, ये अपने आप में इतनी सही लग रही है। एंड भीड़ देखो, सब लोग इसे बस एक तक देख रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं। एंड अंदर से इसका फीचर देखो, हॉल नंबर 14 से निकल गए हैं। हॉल नंबर 14 में आपको MG और टाटा के सारी जितनी भी न्यू कार्स हैं उन सब का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक भी और सब कुछ। तो और अंदर इतना ज़्यादा क्राउड था और बहुत बैकग्राउंड नॉइज था, इतना ज़्यादा तो कुछ नहीं, मैं ज़्यादा आप सुन भी नहीं पा रहे होंगे जो भी मैं बोल रही थी। बाकी अभी चलते हैं दूसरे हॉल की तरफ और देखते हैं वहाँ पे क्या है न्यू। हॉल नंबर 9 में आपको मारुति सुजुकी और टोयोटा के सारे वेरिएंट देखने को मिलेंगे। वेलकम एवरीवन, इट्स सो थ्रिलिंग टू बी एट द मारुति सुजुकी पवेलियन एट द ऑटो एक्सपो 2020, क्लियरली वन ऑफ द वर्ल्ड्स प्रीमियर ऑटो शोज। यू मस्ट हैव सीन सम स्पेक्टेकुलर लॉन्चेस इन पास्ट। मारुति सुजुकी की ये जिम्मी भी यहाँ बहुत ज़्यादा लोग इसे पसंद कर रहे हैं। इसका कलर तो देखो कितना सही लग रहा है, और अंदर जा जाके भी लोग देख रहे हैं इसका पूरा इंटीरियर। और ये देखो, यहाँ आपको बाइक सेक्शन में सुजुकी की ये बाइक्स की भी वेरिएंट देखने को मिलेगी। तो अगर आप अपने लिए कोई अच्छी सी बाइक चेक कर रहे हो तो यहाँ पे आके इसके डिटेल्स ले सकते हो। तो यहाँ आपको फॉर्च्यूनर के का भी डिस्प्ले मिल जाएगा। बट हाँ, ये गाड़ी तो आपने बहुत बार रोड्स पे ऑलरेडी देखी हुई है, बट हाँ फिर भी अच्छी तो लगती है। एक और अभी है जो वहाँ लगी हुई है, वो देखो। ये है टोयोटा की लेजेंडर जो कि अभी की मेरी फेवरेट कार है, मुझे ये बहुत पसंद है और आई होप कि मैं इसे एक दिन ज़रूर ले पाऊँ। क्या सही लगती है यार, बड़ी सी बिल्कुल। वो इस पर बैठ के जब भी मैं कभी भी, ड्रीम है इसे मेरे घर लाना, कब होगा ये पूरा पता नहीं, बट हाँ एक दिन ये आएगी ज़रूर मेरे पास।
टोयोटा की ये कार है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सीरियसली क्या लग रही है। वैसे मैं बात कार की ही कर रही हूँ, बट हाँ मस्त है। लेक्सस की कार ने तो सच में दिल जीत लिया। क्या सही लग रही थी, फीचर्स क्या थे, बहुत अच्छे थे। काफ़ी भीड़ है इस वजह से ना थोड़ा सा शूट करने में भी प्रॉब्लम हुई, बट हाँ यहाँ पे उनके लिए बहुत अच्छा है। जो गाड़ियों के शौकीन हैं या जो गाड़ी अपने लिए न्यू सर्च कर रहे हैं, उनके लिए ये परफेक्ट प्लेस है। बाकी अभी तो हम लोग और एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे और क्या क्या गाड़ियाँ हैं। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ भी हैं जो आपको ऑलरेडी रोड पे दिखती हैं, बट उनके अलावा भी ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो अभी तक हमने रोड पे नहीं देखी, बट हाँ ज़रूर जल्द से जल्द देखेंगे भी। खैर चलते हैं आगे और देखते हैं आगे और क्या क्या है। तो यहाँ आपको फूड कोर्ट भी मिल जाएगा, बट फूड कोर्ट में कुछ भी खाने से पहले आपको यहाँ पे साइड में एक इस तरह का एक कैंप दिखेगा, तो यहाँ से आपको फूड कार्ड लेना होगा और फिर आप इस फूड कोर्ट से जो चाहो वो खरीद सकते हो, खा सकते हो। तो अभी हम लोग को भी लग गई भूख, तो आकर गए हैं कार्ड लेने और फिर हम लोग भी देखते हैं क्या खाते हैं। पेट पूजा करने के बाद अब हम लोग निकल पड़े हैं और कुछ एक्सप्लोर करने, देखते हैं अभी क्या है। बता दूं कि आज हम लोग वीकेंड में आए हैं, इस वजह से यहाँ पे 8 बजे तक ये ओपन है, अदरवाइज़ ये सिर्फ 7 बजे तक ही है। तो ये एक एडवांटेज है हम लोग का कि हम लोग आज आए, क्योंकि वैसे हम लोग लेट हो चुके थे, तो ये अच्छा है कि 8 बजे तक का टाइम है हमारे पास और हम लोग अच्छे से सारी चीज़ें देख पाएंगे आराम से। यू नो ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं रहेगा कि यार चलो चलो बंद होने वाला है, तो ये एक बेनिफिट था हम लोगों के लिए। तो अभी मैं हूँ हॉल नंबर 7 में और यहाँ पे आते ही मुझे किया कि EV6 दिखी है, और जो कि बहुत अच्छी लग रही है यार। इसका कलर देखो, इसके फीचर्स देखो, और मोहतरमा तो है ही खूबसूरत। तो ये भी है, ये देखो पूरा इतना सुंदर लग रहा है। बैकग्राउंड में बहुत तेज़ म्यूज़िक है, पता नहीं आप कितना ही सुन पा रहे होगे मेरी वॉइस, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि तेज़ तेज़ बोल पाऊँ। बट यार सच में इस गाड़ी ने तो दिल जीत लिया मुझे। स्पेशली पर्सनली ये रेड कलर की गाड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है। जा रहे हैं अभी घर। सच बताऊँ तो ऑटो एक्सपो 2023 एक्सप्लोर करके बहुत अच्छा लगा, काफ़ी नई नई गाड़ियाँ देखने का मौका मिला, और ये एक्सपीरियंस मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं इससे पहले कभी नहीं मैंने देखा था। और वैसे भी ये जो लगता है यानी ऑटो एक्सपो का ये पूरा जो सेटअप किया जाता है, ये बहुत ही एवरी ईयर नहीं होता है। लास्ट आई थिंक ये 2019 में हुआ था, और उसके बाद तो फिर कोविड स्टार्ट हो गया था। तो सोच सकते हो आप कि ये 3 साल बाद आज मतलब अब लगा है, तो इस वजह से काफ़ी क्राउड था, सब लोग आए थे, मस्ती कर रहे थे, और आज छुट्टी का दिन था तो काफ़ी अच्छा क्राउड था। तो खैर एनीवेज अभी जैसा मैंने कहा हम लोग जा रहे हैं घर। और एक बात जो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ कि लोरी वाला ब्लॉग मैंने सोचा था कि मैं संडे को अपलोड करूँगी। आप सभी जानते हैं कि मैं वीक में 2 दिन अपने ब्लॉग्स अपलोड करती हूँ, तो लोरी वाला ब्लॉग मैंने सोचा था मैं संडे को अपलोड करूँगी, बट मुझे लग रहा है कि ये वाला ब्लॉग यानी आज वाला ब्लॉग मैं संडे को यानी कल यानी 15th को मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि ऑटो एक्सपो सिर्फ 18th तक ही है। तो अगर आप में से कोई अगर आना चाहे
तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मुझे पहुंचाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस वजह से मैं लोरी वाला ब्लॉग थर्सडे को अपलोड करूँगी और आज वाला यानी ऑटो एक्सपो वाला ब्लॉग संडे को आपको देखने को मिलेगा। तो एंड आई होप कि आप लोग को मेरे साथ ऑटो एक्सपो एक्सप्लोर करके अच्छा लगा हो। अभी घर जाते हैं और करते हैं इस ब्लॉग को यही एंड। एंड आई होप कि आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो सो गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे नए हो सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत जल्द मिलूंगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और दूसरों में ढेर सारी खुशियाँ बांटिए।